अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और उम्मीद है आप सबका रमज़ान भी अच्छे से गुजर रहा है। देखते देखते एक दहा ख़त्म होने को आया है। एंड वेल, मैं रोज़ डेली व्लॉग्स तो नहीं बना सकती, बट जब भी आई मेक समथिंग न्यू और जो मैं रेगुलर बनाती हूँ वो मैं आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। तो आज मैं बना रही थी ओट्स का सूप इफ्तार के लिए, और मैंने उसके लिए लिया है एक डली प्याज और कुतमीर, पुदीना, करियापाक एंड हरी मिर्ची। और मैंने उन सबको सॉटे कर लिया है एक वेसल में, थोड़ा सा अदरक लहसुन, और इन सबको थोड़ी देर सॉटे होने के लिए छोड़ दीजिए ये सब चीज़ें डाल के, जब तक उसमें उबाल नहीं आता। वो सारी चीज़ें थोड़ी देर सॉटे होने के बाद ये देखिए कि आप प्याज ना जलने दें। उसके बाद आप डालिए ओट्स। मैंने यहाँ पर टू एंड हाफ स्पून ऑफ ओट्स यूज़ किए हैं फॉर 5 persons। एंड थोड़ी देर भुनने के लिए, लाइक 15 seconds, आप जस्ट उसको भुनने दें ओट्स को। आप यहाँ पे पीस कर भी डाल सकते हैं ओट्स, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 cups of वाटर ऐड करे हैं, एंड हल्दी एंड मिर्ची एंड टमाटोज ऐड किए हैं इसमें। ये सूप बहुत थिक बनता है, आप इसको आपकी क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए, आपको कितने पर्संस के लिए बनाना है। इसका टेस्ट बहुत लजीज बनता है। इफ्तार के टाइम पे ये सूप पीने का एक ये एडवांटेज ये है कि आप पीते हैं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रेंथ सी दिखती है अपने अंदर। और मैंने इसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड किया है, जितना आप रिक्वायर करते हैं, और उसको थोड़ी देर बॉयल करने के लिए छोड़ दिया है। इस तरह उबाल आने पर आप गैस ऑफ कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी तिक्का लगता है सूप तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर इफ्तार के टेबल पर सर्व कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली मैं बना रही थी समोसे, और लास्ट व्लॉग में मैं आपको फोल्डिंग नहीं बता सकी क्योंकि कैमरा एंगल चेंज हो चुका था। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ प्लेन फोल्ड कर बता रही हूँ कि ऑपोजिट साइड्स पर कैसे फोल्ड होता है। तो ये हो गया था रेडी हमारा ओट्स सूप। आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं कुतमीर और हरी मिर्ची, और उसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गार्निश ऐड करना भूल गई थी, और मैंने बनाए थे चीज़, क्रीम चीज़ रोल्स, एंड मैंने उसके ऊपर डाला था हनी। एंड जैसे सऊदी में खाते हैं ना लबना विद हनी, उसी तरह बनाया था। और मैंने ये रेसिपी देखा था फ्रॉम अलीज़ा व्लॉग्स। तो ये कैसे लगे मुझे मैं आपको बताऊंगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, प्लीज़ सपोर्ट। ईट हेल्दी, स्टे सेफ, टेक प्रिकॉशंस। अल्लाह हाफिज़।